हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? ओके। कल हमने एक वीडियो डाली थी लाइव क्लास की, जिसमें आपको करवाए गए थे फर्स्ट लेसन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एमसीक्यू। उसमें से आधे हमने करवा दिए थे, आधे कुछ रहते हैं जो कि हम उनको आज पूरा करेंगे। तो इसमें हमने आपको करवाना है वस्तुनिष्ठ और एमसीक्यू क्वेश्चन। अगला है जो आपका क्वेश्चन है, शक्ति हमारे शरीर के किस अंग द्वारा पैदा होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति हमारे शरीर के किस अंग द्वारा पैदा होती है? ये पेपर में हर कोड में आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी में। तो फेफड़ों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, मस्तिष्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर है मांसपेशियों के द्वारा। अब आता है गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? गतिशील शक्ति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है और वेरी शॉर्ट में भी आता है। गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, एरोबिक। तो इसका राइट आंसर है ए, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में हमने क्या बताया था, जिसमें खिलाड़ी की कार्य करने की जो कार्रवाई है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, शीर्षासन से कौन सी योग्यता मिलती है? मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, शारीरिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के कितने प्रकार हैं? शक्ति के प्रकार कितने हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर है बी, बी का मतलब दो। शक्ति के दो प्रकार हैं, एक तो है स्थिर शक्ति और एक गतिशील शक्ति। नंबर 14 है, स्थिर शक्ति को किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से, डायनामीटर से, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका स्थिर शक्ति का आंसर क्या है? डायनामीटर। स्थिर शक्ति को किससे मापते हैं? डायनामीटर से। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप हम और आप इन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों पे निशान लगा लेंगे। अगला है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति शक्ति का ही एक भाग है। किसका? स्थिर का, गतिशील का, आइसोटोनिक का, आइसोकाइनेटिक का। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है इसका राइट आंसर। कि किसका है? इसका है गतिशील का। विस्फोटक शक्ति किसका है? गतिशील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचक को बढ़ाने वाले आसन कौन कौन से हैं? चक्रासन, हलासन, धनुरासन या भुजासन, और शलभासन व पश्चिमोत्तासन, और नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल से सामर्थ्य के साथ जुड़ी हुई होती है? नंबर ए है साधारण शक्ति, बी है गतिशील शक्ति, सी है विशेष शक्ति, और डी है विस्फोटक शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, साधारण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकावट के विरुद्ध अवरोध योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? थकावट के विरुद्ध अवरोध योग्यता क्या कहलाती है? गति, शक्ति, लचीलापन और सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी का मतलब सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां सहनशीलता विशेषत है, एक है शारीरिक थकावट को रोकने की क्षमता, सभी प्रकार के खिलाड़ियों की अर्जित विशेषता, या जिमनास्ट की मूलभूत योग्यता का घटक, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, शारीरिक थकावट को रोकने की क्षमता। नेक्स्ट है, जिमनास्टिक द्वारा शारीरिक पुष्टि के किस घटक में वृद्धि होती है?
लचक में होती है, गति में, शक्ति में या सहनशीलता में? तो इसका राइट आंसर है ए, ए का मतलब है लचक। जिमनास्टिक में क्या होता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी लचकदार बनती है, इसलिए लचक का सबसे अधिक वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी योग्यताओं के घटकों में से मुख्य घटक कौन सा है? गति का है, शक्ति का है, लचीलापन है या फिर शारीरिक बनावट है? तो इसका राइट आंसर है डी, डी, डी का मतलब क्या है, शारीरिक बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनशीलता को कैसे मापा जाता है? अवधि द्वारा, पुनरावृत्ति की संख्या द्वारा या फिर थर्मामीटर द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी का क्या अर्थ है, पुनरावृत्ति द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुनः दोहराना विधि द्वारा सुधार में सहायक है, किस में सहायक है? तेजी योग्यता में, अधिकतम शक्ति में, विस्फोटक शक्ति में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रतिक्रिया में बढ़ना किस योग्यता के प्रकार है? लचीलापन का, फुर्ती का और सहनशीलता या तेजी का? तो क्या है इसका राइट आंसर, डी है, तेजी का। ये आपके फर्स्ट लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब आपके फर्स्ट लेसन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति लघुत्मक क्वेश्चन नंबर एक तो है, लचीला लचक क्या है, लचक क्या है? व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। जो गति, व्यक्ति के जो जोड़ होते हैं, शरीर के पॉइंट होते हैं, उन जोड़ों की गति करने को हम क्या कहते हैं, मतलब मुड़ना तुड़ना को क्या कहते हैं, लचक कहते हैं। अधिक लचक वाले व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक से अधिक कार्य कर सकता है तथा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। तो ये क्या है, लचक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है स्थिर शक्ति से क्या अभिप्राय है? स्थिर शक्ति क्या है कि व्यक्ति एक जगह पे, जो आइसोमेट्रिक है आपकी, आइसोमेट्रिक व्यायाम है वो स्थिर शक्ति के अंदर आता है। एक ही जगह पे खड़ा होके हम अपनी बॉडी की पूरी पावर लगा देते हैं किसी कार्य करने को, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो वो क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है। फिर आपका है शक्ति या ताकत से क्या अभिप्राय है? शरीर हमारे शरीर शक्ति शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पौंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी आया भी था कि स्थिर शक्ति को किस में मापते हैं, पौंड या डाइन में मापते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्रिय लचीलापन क्या है? सक्रिय लचक को खिलाड़ी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतंत्र रूप से मांसपेशियों की क्रियाशीलता द्वारा प्राप्त करता है। सक्रिय लचक न केवल मांसपेशियों के सुकड़ने बल्कि जोड़ों की मांसपेशियों पर भी निर्भर करती है। जो जो हमारे पॉइंट है उनका विकास भी करती है। कौन करती है? सक्रिय लचक। ओके, फिर उसके बाद आता है गति क्या है, गति क्या है? ये दो नंबर में क्वेश्चन आता है। गति व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार की हलचल या हरकत को पुनः तेज गति से करता है, अर्थात शरीर के अंगों या संपूर्ण शरीर की अधिकतम वेग में घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं। और गति किस में आता है? अंतराल, अंतराल जो आपकी प्रशिक्षण था उसके अंदर आती है, जिसमें पुनर्प्रयास किया जाता है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अति लघु आत्मक में। अब आते हैं लघु आत्मक क्वेश्चन जो हैं आपके। वैसे तो हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, फिर भी कोई ऐसा है जो क्वेश्चन रह गया है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। एक क्वेश्चन है, आहार शारीरिक योग्यता को कैसे प्रभावित करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार, जब हम भोजन ही संतुलित नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी, कार्य करने की पावर कहाँ से आएगी? तो भोजन जो संतुलित है वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की
क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारा सेकंड लेसन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और फर्स्ट भी आपका इम्पोर्टेंट लेसन है, दोनों ही लेसन आपके लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स।